स्टूडेंट मायसेल्फ नीलम यादव फ्रॉम गोरेगांव म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस फॉर प्रेजेंट टेंस। तो पहले हम देखते चेंज द वॉइस होता क्या है। टू एक्सप्रेस फीलिंग और इमोशंस। तो जो चेंज द वॉइस है उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, जो हमारी फीलिंग या इमोशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो हमने टेंस पढ़ा था, टेंस हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इसमें जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है उसके और कितने सब टाइप्स थे, फोर थे। लेकिन जब हम लोग चेंज द वॉइस करते हैं तो उसमें हम लोग जो ये है टेंस है उसके खाली थ्री टाइप्स के ही चेंज द वॉइस होते हैं। एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब हमने टेंस पढ़ा था तो उसमें फोर्थ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था। लेकिन जब चेंज द वॉइस करते हैं तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का चेंज द वॉइस नहीं होता है। खाली जो हमारे तीन टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, उसके ही चेंज द वॉइस हम करते हैं। तो अभी आगे देखते हैं। तो देखो जब चेंज द वॉइस करते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है इसको हम लोग जो आई वी दे यू ही शी इट या कोई नाम है उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस भी कहते हैं। तो जब एक्टिव वॉइस का हम लोग पैसिव वॉइस में करते हैं तो हमारे जो पर्सनल प्रोनाउंस है वो बाय के बाद जब हम यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर एक्टिव वॉइस में आए है, आई को जब हम लोग पैसिव वॉइस में बाय के बाद यूज करते हैं तो आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। फिर बी, बी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है। दे, दे का देम हो जाता है। यू, यू का यू ही रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ही का हिम हो जाता है। शी, शी का हर हो जाता है। इट, इट वैसे ही रहता है। और फिर अगर कोई भी नेम वहां पे दिया हुआ है तो वो नेम भी हमको एज इट इज लिखना होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो बस खाली आई, वी, दे, ही और शी, ये जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है जब ये एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये हमें ध्यान में रखना होगा कि एक्टिव वॉइस में हम कौन सा प्रोनाउन यूज कर रहे हैं और पैसिव वॉइस में फिर वो चेंज होके क्या बनेगा। अभी हम इसके रूल्स देखते हैं, कौन कौन से रूल्स है। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये थ्री टाइप्स के चेंज द वॉइस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम लोग एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, हमने ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में देखे थे। तो जब हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर हमने देखा था कि मेन वर्ब कौन सी फॉर्म रहती है एक्टिव वॉइस में, फर्स्ट फॉर्म रहती है वर्ब की। उसके बाद हमने देखा था कि फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, यस या यस लगाते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सिंगुलर है। उसके बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब हम लोग एक्टिव का पैसिव वॉइस में करते हैं उसमें क्या हो जाता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, देखो ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में आया है। लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में करते हैं तो हमें क्या करना है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लाना है, पहले ला करके लिखना है। फिर ऑब्जेक्ट के बाद में हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने देखा था कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करते हैं उसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस हो, पास्ट टेंस का हो
या फ्यूचर टेंस का हो, हमेशा इसमें हम लोग वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में क्या आता है, बाय आता है, और बाय के बाद में हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में देखो पहले आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो एकदम लास्ट में यूज करते हैं हम लोग, लास्ट में फिर हमारा सब्जेक्ट आता है। और जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करते हैं, इज, एम, आर। तो इज जो है वो लोग हम, वो हम किसके साथ में यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ में, एक वचन के साथ में। आई के साथ में हम लोग एम यूज करते हैं, और प्लूरल है हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट, उसके साथ में हम लोग आर यूज करते हैं। तो ये तो रूल था अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हम सेंटेंस देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिया, और लेट आई राइट अ लेटर। अब इसमें हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, आई हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट है आई। फिर राइट, राइट क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। और लेटर, और लेटर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, पैसिव वॉइस में लाना है। तो पैसिव वॉइस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो और लेटर, और लेटर हमने आगे लिख लिया। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था इसमें, इज, एम, आर। तो अब अ लेटर, एक लेटर है, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। राइट, राइट हमारा वर्ब है, राइट जो है वो फर्स्ट फॉर्म में है, तो राइट का हमें क्या लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखना है। तो थर्ड फॉर्म राइट का क्या है, रिटन। उसके बाद क्या आ जाएगा, बाय। बाय के बाद अब हम एक्टिव को पैसिव वॉइस कर रहे हैं, तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस हो गया। अभी हम सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, आई सी हिम। आई, आई क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अभी सी, सी जो है वो हमारा वर्ब हो गया। हिम, हिम क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट। तो ही का क्या हो जाता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हिम हो जाता है। अब यहाँ पे देखो हिम है, अब ऑब्जेक्ट जो है वो हमको आगे लाना है, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही। अब ही सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या यूज करेंगे, इज। फिर हमारा जो वर्ब है वो क्या है, सी है, तो वर्ब का जो है वो थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, सी का सीन। फिर बाय, बाय के बाद आई का मी हो जाएगा। अभी थर्ड सेंटेंस देखते हैं, ऑल, वी वॉश ऑल द डिशेस। यहाँ पे देखो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, वी हो गया सब्जेक्ट। फिर वॉश जो है वो हमारा वर्ब हो गया। ऑल द डिशेस ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमको हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे लिखना है, पहले लाके लिखना है, तो अब हम क्या करेंगे, ऑल द डिशेस हमने आगे लिखा। यहाँ पे आप देखो डिश होता तो वो सिंगुलर होता था, लेकिन यहाँ पे ईएस लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो अब प्लूरल है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आर। वॉश का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, वॉश्ड। यहाँ पे आएगा बाय, वो बाय मिस्टेक एम लिखा है, बाय। फिर वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में करेंगे, तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। ये तो था अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है। तो नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कैसे लिखते हैं हम लोग, क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब डू या डज, ये एक्टिव वॉइस में यूज होता है। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आता है, फिर मेन वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब उसको हम पैसिव वॉइस में करते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, सबसे पहले आगे आ गया ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसमें हम क्या यूज करेंगे, इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या यूज करना है, नॉट।
नॉट के बाद हमारी कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और बाय के बाद हमारा सब्जेक्ट। ये क्या है, उसके रूल है। अभी हम इससे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस देखो, राहुल डज नॉट रीड हिंदी। अब इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, राहुल है, राहुल सब्जेक्ट हो गया। डज नॉट, ये क्या हमको हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। फिर रीड, रीड हमारा वर्ब है। हिंदी, हिंदी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमको हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले लाना है, तो हमने हमारा जो ऑब्जेक्ट हिंदी है वो पहले लिख दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पे हिंदी जो है वो क्या है, सिंगुलर है, तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमने देखा कि हमें क्या यूज करना है, नॉट, ऑब्जेक्ट प्लस हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या यूज करना है, नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फिर बाय, बाय के बाद में हमारा सब्जेक्ट। तो ये उसके रूल है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना सेंटेंस फ्रेम करते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट जो हिंदी था उसको पहले ले लिया। अब हेल्पिंग वर्ब इज, इसके साथ में क्या लगा दिया, नॉट। अब हमारा वर्ब रेड, जो रेड है उसका तीनों फॉर्म सेम ही है, तो ये थर्ड फॉर्म हो गई, बाय, बाय के बाद राहुल। तो मैंने बोला था कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कोई नाम है तो उसका जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करते हैं तो वो एज इट इज ही हम लिखते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम उस नाम को ऐसे ही ला करके हमने लिख दिया। अब हमारा सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, टीचर्स डू नॉट पनिश स्टूडेंट नाउ डेज। अब यहाँ पे टीचर्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। डू नॉट, डू नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। पनिश, पनिश हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हम स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसको हम आगे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स एस लगा है, तो एक स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट है। तो हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आर, आर के साथ में क्या लगाया, नॉट, नॉट के बाद में पनिश, पनिश का कौन सा फॉर्म आ गया, थर्ड फॉर्म हो गया, पनिश्ड। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, बाय टीचर्स। फिर ये जो नाउडेज हमारा बचा हुआ था वो हम उसके बाद में लिखेंगे लास्ट में। तो हम कभी भी ये देखते हैं सेंटेंस में कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट भी आए होते हैं तो हमें कौन सा ऑब्जेक्ट लिखना है। हमें ये देखना है कि जो ऑब्जेक्ट हमारे वर्ब के पास में है उस ऑब्जेक्ट को हम लोगों को पहले लिखना है, और जो ऑब्जेक्ट दूर है उस ऑब्जेक्ट को हमें बाद में लिखना है। इस तरह से हम अपना सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। अभी थर्ड सेंटेंस देखिए, शी डज नॉट लाइक बुक्स। अभी शी, शी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद डज नॉट हमारा वर्ब हो गया, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद लाइक, लाइक हमारा वर्ब है। बुक्स, बुक्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम अपना ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे, बुक, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, आर। फिर उसके साथ में क्या आएगा, नॉट, लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड, बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का चेंज हुआ इसका। उसमें क्या करते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का यूज करते हैं, बस यही एक डिफरेंस है। अभी हम हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो हमेशा किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो इसमें एक्टिव वॉइस में देखो किससे शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से, डू या डज से वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या आता है, एक्टिव वॉइस में डू या डज आता है,
फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब हम एक्टिव वर्ब पैसिव वॉइस में करते हैं तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद में फिर हमारा क्या आ जाता है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाता है। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म के बाद में बाय आता है, बाय के बाद में हमारा सब्जेक्ट आता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं, तो लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। बाकी हमने ये सिंपल प्रेजेंट जो ये है असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस देखा, उसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते हैं। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो हमारा क्वेश्चन सेंटेंस ही है, उसको क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं और उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए हम लोग लास्ट में इसमें क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। अभी हम सेंटेंस देखते हैं, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेंटेंस, डू यू प्ले क्रिकेट, देखो किससे स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से, डू से स्टार्ट हुआ है। अभी यू इसमें हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। प्ले क्या है, हमारा वर्ब है। क्रिकेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमें देखना है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिकेट है, क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है, तो हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज। इसके बाद हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट इज क्रिकेट। फिर क्या आएगा, वर्ब आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड है। फिर उसके बाद क्या आएगा, बाय, अभी यू है, तो यू को हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं, और लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सेंटेंस, डज शी वॉश योर क्लोथ, डज इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब है, शी जो है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, वॉश जो है वो हमारा वर्ब है, योर क्लोथ्स ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, योर क्लोथ्स मतलब बहुत सारे कपड़े, तो अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, आर। फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे, आर योर क्लोथ्स। फिर वर्ब, वॉश का थर्ड फॉर्म क्या है, वॉश्ड। फिर बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड सेंटेंस देखते, डू यू गिव फूड टू द बेगर, तो इसमें भी देखो डू जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, गिव हमारा वर्ब है। यहाँ पे भी देखो सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट आपका फूड है, दूसरा है टू द बेगर, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम पूरा साथ में लिखने तो भी हमारा सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन जनरली हमें क्या देखना है कि हमारा जो वर्ब है, वर्ब हमारा गिव है, तो गिव के पास वाला हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, फूड है, तो जो ऑब्जेक्ट हमारे वर्ब के पास में है हमें क्या करना है, उसी ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है। दूसरा ऑब्जेक्ट जो हमारा है थोड़ा सा दूर है, हमारे वर्ब से दूर है, उस ऑब्जेक्ट को हमें बाद में लिखना है। तो अब यहाँ पे फूड हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम देखेंगे कि क्या है, सिंगुलर है, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज। फिर फूड, फिर हमारा वर्ब क्या आ जाएगा, गिवन, वर्ब आ गया। फिर जो ऑब्जेक्ट है, टू द बेगर, बाय, यू, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। तो कभी कभी सेंटेंस में जब दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो ऑब्जेक्ट हमारे वर्ब के पास में है तो उस ऑब्जेक्ट को हमें पहले लिखना है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोगों को हमारे वर्ब के बाद में लिखना है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्री टाइप्स के। अभी हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसके भी
थ्री टाइप्स है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो अभी इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा रूल है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस जब हम करते हैं तो इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आता है, फिर मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, आईएनजी के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। फिर लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस करते हैं इसमें बस एक ही चेंज होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लोग किसका यूज करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं। बाकी सारे रूल्स जो हमने अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा सारे रूल्स वही हैं, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लोग क्या यूज करते हैं, बीइंग यूज करते हैं। तो इसमें क्या आता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद में बीइंग आता है। मैंने आपको बोला कि जो ये एक्टिव वॉइस है जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, बाय आता है और बाय के बाद में हमारा सब्जेक्ट आता है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल है। अभी हम सेंटेंस देखते हैं। तो रवि इज प्लेइंग क्रिकेट फर्स्ट सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस में अब हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो रवि, रवि ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, रवि ये सब्जेक्ट है। इज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग, प्लेइंग क्या है, हमारा वर्ब है। क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लेके आना है। तो क्रिकेट ये ऑब्जेक्ट है तो ये हमने पहले लाके लिख दिया। क्रिकेट अब हम देखेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो क्रिकेट जो है वो सिंगुलर है। तो अब इज आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ में मैंने रूल में आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमें क्या लिखना है, बींग लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा बींग, फिर क्या आएगा, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। प्लेइंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड, प्लेड के बाद बाय आएगा और बाय के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, रवि है, फिर रवि आ जाएगा। तो अभी सेकेंड सेंटेंस देखते, सेकेंड सेंटेंस में शी इज कॉलिंग यू, तो इसमें शी जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, कॉलिंग, कॉलिंग जो है वो हम ये है हमारा वर्ब है, फिर यू, यू जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अभी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आएगा, तो ऑब्जेक्ट हमने यू पहले ला दिया। अब यू देखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यू क्या है, प्लूरल है। तो उसके साथ में हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, आर, हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या यूज करेंगे, बींग, फिर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमारा वर्ब जो है वो कॉलिंग है, कॉलिंग की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, कॉल्ड, कॉल्ड के बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी है। तो जब एक्टिव का पैसिव वॉइस में होता है तो जो ये सब्जेक्ट है इसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो सी का क्या हो गया, हर हो गया। अभी हम हमारा थर्ड सेंटेंस देखते हैं। He is writing a letter. अब इसमें he जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, is हमारा हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग, राइटिंग हमारा वर्ब है और लेटर, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट और लेटर है उसको हम लोगों ने कहाँ पे लिख दिया, आगे लाके लिख दिया। और लेटर अब देखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो और लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, इज, बींग, राइटिंग का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम क्या यूज करते हैं, बींग का यूज करते हैं। बाकी सब क्या है, जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते, बाकी सारे रूल्स क्या है, सेम है।
अब हम नेगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस जब एक्टिव वॉइस करते हैं तो उसमें क्या रूल है, पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब ZMR होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाते हैं हम लोग, नॉट लगाते हैं, नॉट के बाद में मेन वर्ब जो है हमारी वो होती है, मेन वर्ब कौन सी फॉर्म ये है, कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें सॉरी कंटिन्यूअस है तो उसमें क्या रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहता है प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में उसका चेंज करेंगे तो पहले हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ जाएगा, इज एम आर के साथ में क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। नॉट के बाद में बींग आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की बाय, उसके बाद में सब्जेक्ट। तो ये क्या है उसका रूल है। अभी हम सेंटेंस देखते तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी फर्स्ट सेंटेंस देखो, ही इज नॉट बीटिंग कुणाल। तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, ही हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, बीटिंग हो गया वर्ब, कुणाल हो गया ऑब्जेक्ट। हमें क्या आगे लिखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, कुणाल है। तो अब मैं क्या करूंगी, कुणाल को मैंने आगे लिखा। अब कुणाल देखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है, कुणाल नाम है, एक ही है, सिंगुलर है, तो अब क्या आ जाएगा, नाम के कुणाल के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, इज नॉट, वहां पे पहले से है और हमारे रूल में भी हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है, इज नॉट लगा दिया मैंने, नॉट के बाद क्या लगाना है हमें, बींग लगाना है, कंटिन्यूअस टेंस है तो क्या लगाना है, बींग लगाना है। फिर क्या आएगा, हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हमारा वर्ब क्या है, बीटिंग, तो उसका क्या हो जाएगा, बीटेन। फिर क्या आ जाएगा, बाय, बाय के बाद हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही है, तो जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो ही का क्या चेंज हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो ही का क्या चेंज हो गया, हिम हो गया। अब हम सेकेंड सेंटेंस देखते हैं हमारा, तो सेकेंड सेंटेंस में He is not drinking milk. तो he जो है वो सब्जेक्ट है, is जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, drinking हमारा वर्ब है, milk हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम अपना ऑब्जेक्ट जो है वो पहले लाएंगे, milk, फिर is not being, हमारे रूल में है कि हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, नॉट के बाद क्या यूज करना है, बींग आ गया, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, ड्रिंकिंग का क्या हो जाएगा, ड्रंक हो जाएगा, ड्रंक, उसके बाद बाय के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। फिर थर्ड सेंटेंस में वी आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग, बी हमारा सब्जेक्ट है, आर क्या हो जाएगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग क्या है, वर्ब है, सॉन्ग्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने हमारा ऑब्जेक्ट है वो आगे ले लिया, सॉन्ग्स, फिर आर, सॉन्ग्स बहुत सारे हैं तो क्या हो जाएगा, आर के साथ में नॉट लगाना है, नॉट के साथ में बींग के बाद हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, सिंगिंग का क्या हो जाएगा, संग, उसके बाद बाय के बाद सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो क्या हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का था। अभी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है उसका देखो एक्टिव वॉइस में क्या रूल है, वो किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर से स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो जब एक्टिव का पैसिव में करते हैं तो उसमें क्या आता है, पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आता है, उसके बाद अब ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर बींग आता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाय और बाय के बाद में सब्जेक्ट आता है। अभी सेंटेंस देखते हैं इसके। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स।
तो अब इसमें यू जो है, यू क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये आर हेल्पिंग वर्ब हो गया क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते। टीचिंग, टीचिंग हमारा क्या है, वर्ब हो गया। द स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स है, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, आर द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स के बाद क्या यूज करना है, बीइंग। फिर हमारा वर्ब जो है वो टीचिंग है, टीचिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट। फिर उसके बाद आएगा बाय, और बाय के बाद में यू, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सेंटेंस, एम आई ईटिंग एन एप्पल। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, आई है, ईटिंग, ईटिंग क्या है, हमारा वर्ब है, एन एप्पल ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पे देखो ये एम किसके साथ में आया था, आई के साथ में आया था, तो अब लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल है, तो एन एप्पल जो है वो सिंगुलर है, तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, फिर हमारा ऑब्जेक्ट एन एप्पल, बीइंग, फिर वर्ब आएगा ईटिंग का क्या हो जाएगा, ईटन, फिर बाय, बाय के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई का क्या हो जाएगा, मी, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर थर्ड सेंटेंस देखो, आर यू प्लेइंग फुटबॉल। आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यू वर्ब है, प्लेइंग क्या है, सॉरी यू सब्जेक्ट है, प्लेइंग हमारा वर्ब है, फुटबॉल जो है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब देखेंगे फुटबॉल, फुटबॉल क्या है, सिंगुलर है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये कंटिन्यूअस टेंस का था। अभी हम परफेक्ट टेंस देखते हैं, तो परफेक्ट टेंस जो है वो भी कितने टाइप्स का होता है, इसमें भी थ्री टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर देखो हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज का यूज करते हैं, तो जो हैव है वो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, प्लूरल के लिए यूज करते हैं, बहुवचन के लिए, और हैज जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है। फिर परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस करते हैं, पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, उसके साथ में देखो कंटिन्यूअस टेंस था तो हम लोग क्या यूज कर रहे थे, बीइंग यूज कर रहे थे। परफेक्ट टेंस है तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, बीइंग यूज करेंगे, ये दोनों में डिफरेंस है। और हेल्पिंग वर्ब उसमें हम लोग इज एम आर यूज कर रहे थे, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हैव और हैज है। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और बाय के बाद में सब्जेक्ट आएगा। अभी इसके हम सेंटेंस देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस देखो, पूजा हैज कंप्लीटेड द वर्क। तो इसमें पूजा जो है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड ये हमारा वर्ब है, द वर्क क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमको हमारा ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, द वर्क मैंने पहले लिख लिया, द वर्क अब क्या है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैव, हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या यूज करना है, बीन, उसके बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, तो ये परफेक्ट टेंस है तो ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें दी गई है। फिर क्या आ जाएगा, कंप्लीटेड के बाद क्या आएगा, बाय के बाद हमारा सब्जेक्ट पूजा। तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अभी सेकंड सेंटेंस लिखते, शी हैज संग अ सॉन्ग। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, शी है, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, संग क्या हो गया, वर्ब हो गया, अ सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तब हमने हमारा ऑब्जेक्ट पहले लाया, अ सॉन्ग पहले आ गया, फिर हैज के साथ में क्या आएगा, बीन आएगा, फिर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, बाय के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा।
अभी हम हमारा थर्ड सेंटेंस देखते हैं। आई हैव रिटन द लेटर्स, तो आई जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। हैव, हैव क्या हेल्पिंग वर्ब है, रिटन रिटन वर्ब है, द लेटर्स क्या है ऑब्जेक्ट है। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट हमने आगे लाया, द लेटर्स आगे आ गया। तो लेटर्स मतलब बहुत सारे लेटर्स हैं, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैव। अब हैव हेल्पिंग वर्ब लिया हमने, हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या यूज करेंगे, बीन, फिर हमारा वर्ब रिटन, फिर बाय, बाय के बाद में क्या आएगा सब्जेक्ट, आएगा क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। अभी नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज वो यूज करते, उसके बाद में नॉट, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब पैसिव वॉइस में करते हैं तो पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, हैव हैज आएगा, उसके साथ में नॉट आएगा, नॉट के साथ में क्या लगाना है हमें, बीन लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, बाय के बाद में सब्जेक्ट। तो अभी इसके सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, ही हैज नॉट रिटन अ लेटर। तो अब इसमें ही जो है, ही हमारा क्या है सब्जेक्ट है, has not ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, रिटन रिटन क्या है हमारा वर्ब है, अ लेटर क्या है ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट हमने पहले लाया अ लेटर, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब has आएगा, has के साथ में not, उसके बाद में क्या लगाना है, been लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, फिर सब्जेक्ट ही है, उसका क्या हो जाएगा him हो जाएगा। फिर सेकेंड सेंटेंस देखते, She has not played cricket. तो इसमें देखो, she जो है वो क्या है हमारा subject है, she subject है, has not ये क्या है हमारा helping verb है, played played क्या है verb है, cricket cricket क्या है object है। तो हमने हमारा object पहले लिखा cricket, फिर has not, उसके बाद क्या आएगा been, played by, she का हर हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस, सैम हैज नॉट सोल्ड वेजिटेबल्स। इसमें सैम जो है वो क्या है हमारा सब्जेक्ट है, हैज नॉट हेल्पिंग वर्ब है, सोल्ड क्या है वर्ब है, और वेजिटेबल्स क्या है ऑब्जेक्ट है। तो अब हम अपना ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो वेजिटेबल्स है, एस लगा हुआ है, बहुत सारे वेजिटेबल्स प्लूरल है, तो हम कौन सा प्लूरल के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैव, हैव के बाद में नॉट, नॉट के बाद क्या लगाएंगे बीन, फिर सोल्ड बाय सैम, सैम नाम है तो वो क्या हो जाएगा एज इट इज हमको लिखना है। तो ये था नेगेटिव सेंटेंस। अभी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसका भी क्या रूल है, पहले क्या आएगा हैव या हैज जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब उसको हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और हैज है वो तो आएगा ही, उसके बाद में क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में बीन आएगा, बीन के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाय, बाय के बाद हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में लास्ट में क्वेश्चन ना आएगा। तो अभी हम इसके सेंटेंस देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, हैव यू किल्ड द स्नेक। अब इसमें फर्स्ट सेंटेंस में हैव जो है वो हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब है, यू, यू हमारा सब्जेक्ट है, किल्ड, किल्ड हमारा क्या है वर्ब है, द स्नेक, द स्नेक क्या है ऑब्जेक्ट है। तो अब हम देखेंगे द स्नेक, एक ही स्नेक है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैज, हैज के बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट द स्नेक, उसके बाद क्या आएगा बीन, फिर वर्ब हमारा किल्ड बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सेंटेंस, हैज ही रिटन अ पोयम। इसमें हैज जो है वो क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, रिटन जो है वो क्या है हमारा वर्ब है,
पोयम, और पोयम क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, और पोयम मतलब एक पोयम, तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैज। अ पोयम बीन रिटन बाय हिम। थर्ड सेंटेंस, हैव दे टेकन द डिनर। तो इसमें जो है हैव जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, दे दे क्या है सब्जेक्ट है, टेकन टेकन क्या है वर्ब है, द डिनर क्या है ऑब्जेक्ट है। तो अब हेल्पिंग वर्ब द डिनर तो वो क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम लोग, हैज। फिर ऑब्जेक्ट आएगा द डिनर, बीन, फिर वर्ब टेकन, बाय, बाय के बाद दे का क्या हो जाएगा डैम हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन। तो ये था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस इसमें देखो, द फादर हैज बॉट द वेजिटेबल्स। तो अब हम देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज यूज किया है, तो हैज है तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो सेंटेंस है हमारा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस हमारा कौन सा सेंटेंस है, परफेक्ट टेंस का है। तो अब परफेक्ट टेंस का है तो अब इसके साथ में देखो, बाय रूल के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या यूज करना है, बीन यूज करना है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि द फादर, द फादर हमारा सब्जेक्ट है, हैज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बॉट बॉट हमारा वर्ब है, द वेजिटेबल्स क्या है ऑब्जेक्ट है। तो अब हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो द वेजिटेबल्स हमने पहले लिखा, वेजिटेबल्स प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, हैव बीन, फिर बाय का बॉट, बाय द फादर। सेकेंड सेंटेंस, हैव यू ब्रोकन द मिरर। तो अब ये हैव किससे शुरू हो रहा है, हैव से शुरू हो रहा है, तो ये कौन सा है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें भी हमें क्या देखना है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, ब्रोकन हमारा जो है वो वर्ब है, द मिरर हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। तो अब हमारा द मिरर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज, फिर ऑब्जेक्ट द मिरर, फिर अब क्या आएगा ऑब्जेक्ट के बाद बीन, ब्रोकन बाय यू। थर्ड सेंटेंस, ही विंस द मैच। अब विंस है ये देखो सिंगुलर इसमें है, प्रेजेंट टेंस में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो उसमें हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करना है। तो ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, विंस जो है वो क्या है हमारा वर्ब है, और द मैच जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो अब द मैच हमने हमारा ऑब्जेक्ट द मैच जो था वो पहले लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब विंस, विंस का क्या हो जाएगा बॉर्न, बाय ही का क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के चेंज द वॉइस देखी। अभी किसी को कुछ भी डाउट है तो वो हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ भी डाउट है किसी को, बोलो ऋषिकेश। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में हमको हैज बीन का इस्तेमाल करना रहेगा ना, जो ये है ना परफेक्ट टेंस है ना उसका कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। जो हम लोग अभी प्रेजेंट टेंस के जो एक्टिव और पैसिव वॉइस देख रहे हैं ना चेंज द वॉइस, तो उसमें खाली सिंपल प्रेजेंट टेंस का चेंज दो पैसे है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चेंज द वॉइस है, और प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का चेंज द वॉइस नहीं होता है। ओके टीचर, थैंक यू टीचर। सुमित, बोलो सुमित, गुड मॉर्निंग। सुमित अनम्यूट करो, नहीं हो रहा है क्या आपका? सुमित अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या बेटा आपका? सर
सविता अनम्यूट करो आप अपना, तब तक सुमित का नहीं हो रहा शायद। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सुमित, बोलो। टीचर इसके आगे का स्क्रीन दिखाइए ना। किसका स्क्रीन दिखाऊं? सेंटेंस के आगे का स्क्रीन। आगे का कौन सा देखना है आपको? कौन से सेंटेंस का देखना है वो बताओ मुझे। सर सेंटेंस है ना, आपने ग्रीन कलर का दिखाया, उसके आगे का स्क्रीन दिखाए ना। देखो बताओ मुझे, यहाँ देखते रहो आप, कौन सा देखना है आपको? अच्छा ये वाला। हाँ इसके आगे का। इसके आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये है। हाँ इसके आगे नहीं है। इसके आगे ये है। चलिए समझा दीजिए ना जरा। क्या डाउट है आपको, क्या पूछना है? What is interrogative sentence? इंटरोगेटिव सेंटेंस देखो, हम लोगों ने पढ़ा था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में, वो क्वेश्चन सेंटेंस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। और वो क्वेश्चन किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। आया समझ में? हाँ मैडम, थैंक यू मैडम। वेलकम। और किसी को डाउट है? हैंड रेज। तो इस तरह से आज हम लोगों ने चेंज द वॉइस में प्रेजेंट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस देखे। थैंक यू।